हेलो फ्रेंड, मेरे तरफ से सभी को मेरी क्रिसमस। तो मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ वो है एक बजट फोन, ये बजट स्मार्टफोन के बारे में। जैसे कि स्मार्टफोन के बात करो तो सबसे पहले बात आती ही सैमसंग की। तो सैमसंग का जो स्मार्ट बजट फोन होता है उसमें सबसे पहले नाम आता है जे सीरीज की। तो जे सीरीज ने फिर से एक बार नाम को एक ही रहते हुए कर दिया है लॉन्च। और एक फोन को अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन लॉन्च जल्दी से हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ J2 के बारे में। तो आप देख सकते हैं काफी कुछ चेंज किया है, ये फॉन्ट में फ्लैश भी दिया है और सामने के नेविगेशन बटन में थोड़ा चेंज हो रहा है। तो बात करता हूँ इसके कलर ऑप्शन की। तो कलर ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आते हैं एक गोल्ड और एक ब्लैक। और मॉडल तो आप देख ही रहे हैं। तो इसके बात करूँ तो पीछे रियर कैमरे के बारे में, तो रियर कैमरे के रहे थोड़ा चेंज हो गया है। ये स्पीकर को जो थोड़ा चेंज कर दिया गया है, थोड़ा छोटा स्पीकर दिया गया है और थोड़ा चेंज कर दिया गया है। और फोन्स की बात करो तो फोन्स में दे गया है फ्लैश, जो आपको सेल्फी लेने में बहुत मदद करेगा। और इसके आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या रहेगा। ये फुल फीचर से आउटलुक से कहाँ से आप क्या मिलेगा ये आपको दिखा दे रहा है। तो चलिए इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, तो सैमसंग गैलेक्सी इसका नाम दे रहा है J2 Pro। जैसे कि पहले भी J2 Pro निकल गया है, तो इसमें नाम दे गया है J2 Pro 2018। तो इसका OS रहेगा 7.0, एंड्रॉयड में ही रहेगा और ऑल इंडिया में लगभग जनवरी के एंड में मार्केट में आ जाएंगे। तो डिस्प्ले की बात करूँ तो हमेशा की तरह इसने फिर भी दे दिया है IPS डिस्प्ले, लेकिन इसने दे दिया है रेजुलेशन 720 और स्क्रीन साइज 5.2, जो काफी अच्छा है बजट फोन में। और वो और कुछ अच्छा है जो बात करूँ रियर कैमरे की, तो रियर कैमरे में दे गया है 8 मेगापिक्सल, जो काफी अच्छा है। सैमसंग के कैमरे के क्वालिटी अच्छा ही होता है, तो 8 मेगापिक्सल सैमसंग के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रंट कैमरे का बात करूँ तो 5 मेगापिक्सल है और दोनों ही तरह से आप LED फ्लैश मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं और क्या क्या आपको मिलेगा, फेस डिटेक्शन और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी है वो आपको मिल जाएंगे। और बैटरी की बात करूँ तो इसमें बैटरी थोड़ा छोटा कर दिया है सैमसंग ने, ये दे दिया है 2800 बैटरी, लेकिन काफी अच्छा है, सैमसंग के बैटरी बैकअप अच्छा देता है। तो चलिए इसके और भी सेंसर और फीचर्स के बारे में आप देख लीजिए गौर से, स्क्रीन को पुश करके आप देख सकते हैं। इस पर एक और अलग बात है, इसमें दे दिया है फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो आगे चलते हैं, हेडफोन पोर्ट दिया हुआ है। अक्सर क्या होता है, अभी जो फोन निकल रहा है उसमें हेडफोन का पोर्ट नहीं दे रहा है, तो इसमें कोई चिंता वाले बात नहीं है, वो हेडफोन पोर्ट आपको दे रहा है। और बाकी सभी है, GPS, वाईफाई, 4G सभी है, जैसे कि अगले फोन में रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दे रहा है और रैम भी दे दिया है 1.5 GB तक, और क्वाड कोर प्रोसेसर दे रहा है। और भी कुछ आप देख सकते हैं, बैटरी आप रिमूवेबल कर सकते हो, अगर लॉन्च करने तक वेट करना पड़ेगा आपको क्या हो रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद।